फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सबको हैप्पी दिवाली दिपस्मिता व्लॉग्स की तरफ से। तो आज तो है दिवाली और अभी जस्ट सैंडी निकल चुके हैं पुणे के लिए। तो अभी आप अगर आप सोच रहे हो कि वो दिवाली के दिन ही क्यों पुणे के लिए निकला है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैं और मेरे पेरेंट्स हैं ही, तो हमारा घर वर में दिया भी है तो सब लगेगा। बट फिर पुणे का घर अंधेरा होगा क्योंकि वहाँ से मिंटू चला गया है, होम टाउन मिंटू गया है जमशेदपुर, तो अभी कोई है नहीं। और फिर प्लांट्स है, एक्वेरियम है, और मेन चीज़ ये है कि दिवाली के दिन में अपने खुद के घर को अंधेरा नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए आज सैंडी गया है, वो शाम तक पहुंच जाएगा। वो जस्ट अभी 15 मिनट पहले ही निकला है, अभी ऑन दी वे होगा एयरपोर्ट के लिए, और वो पुणे पहुँचेगा करीबन शाम के 5 बजे। और फिर वो अपना साफ़ सफाई करके घर में तो एटलीस्ट पूजा करना ही चाहिए, तो इसीलिए गया है। और सैंडी वापस आएगा हैदराबाद थोड़े दिनों के बाद, जब मिंटू आ जाएगा वापस पुणे, तो फिर सैंडी हैदराबाद में आएगा। बट अभी नहीं, वो उसके लिए टाइम है, वो ऑलमोस्ट दिसंबर या मिड दिसंबर तक आएगा। तो चलो अभी तो मतलब थोड़ा लगता ही है कि चलो दिवाली के दिन ये साल ऐसा कुछ क्रैकर्स वगैरह तो हम बर्न नहीं कर रहे, तो सिर्फ लाइट्स और दिए ही जलाएंगे इस दिवाली। तो चलिए, अभी बहुत भूख लगा है क्योंकि सुबह भी हड़बड़ी में यू नो उसका निकलना, फिर घर वर हमने साफ वगैरह सब किया, तो सुबह का ब्रेकफास्ट पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। तो अभी चलिए एक हल्का फुल्का सा लंच करते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल बना नहीं है क्योंकि मम्मी का भी मन वैसा ही है कि यार दामाद दिवाली के दिन ही पुणे चला गया, क्या करें, तो सब जगह देखना पड़ता है, सब जगह एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं फटाफट। तो मम्मी बस लंच परोस रही है पापा के लिए स्पेशल प्लेट है। पापा yes. ये इसको क्या बोलता है हिंदी में, ये प्लेट्स को काशा ना, बांग्ला तो काशा बोले, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में काशरी बोलते नहीं बोलते कुछ को की जाने बोले वहाँ हिंदी की पता नहीं, कुछ तो एक बोलते हैं ये बेटे इसको। जैसे पुराने ज़माने में भगवान के ये होते थे ना, भगवान को जिसमें खाना चढ़ाते थे या भगवान को जिसमें पानी पीते थे, हाँ वो इसमें। और अभी हम बैठ गए हैं खाना, और एक मैं बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मम्मी आपको बताएगी कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, जैसे हमारे घर में पापा है डायबिटिक, मिठाई खा खा के कोल्ड ड्रिंक्स पी पी के अपना डायबिटीज इन्होंने खुद इनवाइट किया है, शू की तो नीचे कहेंगे डायबिटीज आने थोड़े से, तो मेडिसिन तो लेते हैं एवरीडे ना, एवरीडे का मेडिसिन चलता है, लेकिन बहुत सारा डाइट में भी बहुत सारा की बोले कटौती है, ब्राउन राइस, फिर की छिलका वाला सब्जी में छिलका वाला डाल, छिलका वाला डाल, वो सब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मम्मी के पास बहुत सारा ऐसा कुछ, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे है, जैसे यहाँ पे हमारा खाना बहुत सिंपल होता है क्योंकि ऑब्वियसली इनका एज है और डायबिटिक है, तो उतना तेल मसाले का खाना होता नहीं है। और मेरे ससुराल में जहाँ मतलब सैंडी के वहाँ पे बहुत मतलब रिच खाना होता है, तो यही थोड़ा डिफरेंस है दोनों घरों में बता दो। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। मम्मी बोशो ठीक है, बजे आई हूँ। और अभी तक सैंडी का कॉल नहीं आया है, सैंडी मतलब जब भी वो एयरपोर्ट पहुँचेगा वो कॉल करेगा। और मम्मी यहाँ बैठ गई, मम्मी को दिखाई भी नहीं दिया, मम्मी यहाँ बैठ चुकी है। तो चलिए हम फटाफट खा लेते हैं। Thank you.
वगैरह सब लगाना हो चुका है और बस शाम का चाय हमने पी लिया था साथ में, और सैंडी भी पहुंच चुका है। सैंडी अपने घर के साफ सफाई में लगा हुआ है, देखती हूँ। सैंडी को मैंने बोला है कि वो जब सब रेडी कर दे, दिया वगैरह सब जला दे, तो थोड़ा वहाँ का भी थोड़ा वीडियो शूट कर ले। पता नहीं कितना हद तक कर पाएगा, क्योंकि बेचारा अकेला है और उसको वहाँ पे सब काम करना है। तो मैंने आज ये एक स्कर्ट ऐसा पहना था, क्योंकि मैं सिर्फ लिमिटेड ड्रेसेस ही लाई थी और यहाँ पर ठंडा भी था, तो मैंने ये जैकेट इसके ऊपर ऐसे ही मिसमैच करके पहन लिया। तो चलिए, फिर ये था एक सिंपल सा दिवाली सेलिब्रेशन इस साल का। होपफुली नेक्स्ट ईयर अच्छे से बाहर जाके सेलिब्रेट कर पाएंगे सबके साथ। इस साल तो सैंडी सुबह तक थे और फिर शाम को वो पुणे में है। तो फिर चलिए, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, स्टे सेफ।